हेलो हाय नमस्ते सलाम जैकी बंदे के नाम वेलकम टू चैनल इनसेन जैकी, क्या हाल है? सब बढ़िया चल रहा है लखनऊ में। अभी सुबह से एकदम बढ़िया सी बारिश आ रही है और वर्षा दीदी ने जो झड़ी लगाई है, मजा आ गया। इस मौसम में क्या करने का है, बड़े से चाय बनाने का है, पकौड़े बनाने का है, खाने का है। यार बहुत मजा आने वाला है आज। पकौड़े बनाए क्या? आइए कुछ ना कुछ तो करते हैं, ठीक है? चलिए शुरुआत करते हैं। तो बात कुछ ऐसी है कि आज जैकी बनाएगा आलू के पकोड़े। बारिश का मौसम है तो चाय और आलू के पकोड़े के साथ क्या मजा आएगा यार। मेरे मुंह में तो अभी से पानी आ रहा है। तो चलिए ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आलू के पकोड़े। और हाँ, आप अगर पेन कॉपी लेकर बैठे हैं तो बैठ जाइए, क्योंकि ये आपको भी काम आएगा। आपकी इधर अगर बारिश आ रही होगी तो बिल्कुल ये आप तैयार कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो आलू को पकोड़ों के लिए सबसे पहले चाहिए आलू। सो हमने ले लिए आलू। तो आलू के पकोड़े बनाने के लिए सबसे पहले आलू को धोने और फिर इसका छिलका आप निकाल लें, बिल्कुल ऐसे प्यार से, बिल्कुल ऐसे। आप इसका टाइम लैप्स एंजॉय कीजिए, ठीक है? तो हमारे आलू छिल गए हैं, अब इन्हें पीसेस में काटना पड़ेगा। तो पीसेस में काट के मिलता हूं, ठीक है? और ये काम ध्यान से करना पड़ेगा यार, हाथ भी इसमें कट सकता है। तो अगर आप छोटे बच्चे हैं, मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो बड़ों की इसमें मदद ले सकते हैं, ठीक है? हमारे आलू कट चुके हैं, अब अपने को लेना पड़ेगा क्या, बेसन। इसमें पानी डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लें। इसमें गई थोड़ी सी हल्दी, इसमें हल्दी डाल दी और इसमें थोड़ी सी अजवाइन, नमक डाल दिया, लाल मिर्च डाल दी। लाल मिर्च पाउडर आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, अगर आपको ज्यादा स्पाइसी चाहिए तो लाल मिर्च पाउडर थोड़ा ज्यादा डाल लें, ठीक है? हमारा पेस्ट हो गया तैयार। अब तेल गरम करना है और पकौड़े बनाने हैं बढ़िया से। थैंक यू। अभी पैन में तेल डालेंगे, तेल डालने के बाद फिर पकौड़े बनाएंगे। मैं आपको बता दूं कि आलू पकौड़ों के लिए तेल थोड़ा ज्यादा चाहिए होता है, क्योंकि आलू तेल ज्यादा कंज्यूम करता है, ठीक है? लेकिन जब बनते हैं तो बहुत 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 ज्यादा टेस्टी लगते हैं। तेल थोड़ी देर तक पकने देंगे और फिर इस आलू को इस पेस्ट में डुबो के इसमें डालेंगे, निकालेंगे, प्लेट में रखेंगे, सॉस के साथ खाएंगे। तो हमारा तेल हो चुका है गरम, आइए बनाते हैं आलू के पकौड़े। इसको थोड़ा ज्यादा पकाना पड़ता है और ये जैसे ब्राउन हो रहा है ये ऐसे, पर इसके बाद दोनों साइड ब्राउन हो जाए तो आलू पकौड़े बढ़िया से बनते हैं, एकदम लाजवाब। वाह 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 वाह, दिखने में बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, बहुत टेस्टी लग रहे हैं, जब निकलेंगे तो क्या मजा आएगा। और आज तो हमारा आलू पकौड़ा तैयार हो चुका है, देखिए कितना टेस्टी लग रहा है यार, मजा आ गया। तो आलू पकौड़ा खाते हैं और बारिश को एंजॉय करते हैं। क्या करे यार, बारिश में आलू पकौड़े और चाय, इसका मजा ही कुछ अलग होता है कि नहीं? तो ये था आज का व्लॉग हमारा आलू के पकौड़े। वाह वाह वाह, क्या बने थे यार आलू के पकौड़े, मतलब काश मैं आपको यहां से खिला पाता आलू के पकौड़े, बहुत ही बढ़िया बने थे। तो चलिए आज का व्लॉग यही खत्म करते हैं, कुछ और काम है मुझे, वो निपटाता हूँ। मिलते हैं कल अगले व्लॉग में, कल क्या होगा पता नहीं है, लेकिन जो भी होगा कमाल होगा, ठीक है? मिलते हैं कल, तब तक अडियोस अमिगोस। चाहे लाइफ में कुछ भी हो जाए, अप्स एंड डाउन्स में दिल पे हाथ रखने का, बोलने का सब सही है ब्रो। बाय बाय।